शिवरामाचार्य जी से जानिए, उस आंदोलन के इतिहास से, और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए संवैधानिक मर्यादाओं में बंधे हुए अटल बिहारी वाजपेयी के उन कष्टप्रद शब्दों से जानिए अयोध्या के अतीत को, कि जब रामचंद्रदास परमहंस जी की अयोध्या में चिता जल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा भागा हूँ कि जो शिला दान में स्वयं शिला नहीं ले सका, मेरा प्रतिनिधि शिला लिया और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण की आस अपने कलेजे में समेटा हुआ एक साधु चला गया, जो मेरा बाल सखा भी था, मेरा मित्र भी था और एक बड़ा साधु भी था अयोध्या का, श्री राम जन्मभूमि न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष भी था, वो दुनिया से विदा हो गया और मैं उसे आश्वासन भी नहीं दे सका कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। उस अयोध्या के अतीत में से आज हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या का वर्तमान, आज नालियां भी बन रही हैं, सड़क भी चौड़ी हो रही है अयोध्या की, सीवर लाइन भी बिछ रही है अयोध्या में, रेल का भी दोहरीकरण हुआ है उस अयोध्या में, उस अयोध्या में एयरपोर्ट भी बना है जो 30 दिसंबर को संभवतः पहली फ्लाइट उतरने वाली है। अयोध्या का वर्तमान ऐसा है और अब एक नए प्रकार के नैरेटिव की दुनिया में हम जा रहे हैं, जहां कुछ नैरेटिव वामपंथियों के द्वारा जो अतीत से ही राम जन्मभूमि की नहीं किसी भी मंदिर निर्माण के विरोधी थे, सोमनाथ हो, राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, जो सबके विरोधी थे, नया नैरेटिव लेकर के बाजार में आए हैं कि मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा। एक नैरेटिव लेकर के आए हैं कि मंदिर से रोजगार मिलेगा। तो मैं उनकी याददाश्त के लिए बता दूं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण पूर्ण हुआ और निर्माण होने के बाद 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 एक वर्ष के दौरान 3.5 करोड़ पर्यटक गोवा गए और 10 करोड़ तीर्थयात्री काशी आए। 7 करोड़ लोगों ने काशी में निवास किया है, विभिन्न धर्मशाला होटलों में रुके हैं और काशी में, मैं व्यक्तिगत लोगों की बात नहीं लेकिन जो आर्थिक इंडेक्स जो लोग लेके आए हैं, बताया कि एक वर्ष में 25,000 करोड़ का व्यापार काशी में बढ़ा है। ये एक काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का परिणाम है। अयोध्या में जब नापे जाते थे कि भाई राम अयोध्या का सबसे बड़ा पर्व क्या है, तो रामनवमी, तो रामनवमी पे कितने लोग आ रहे हैं, 1-2 लाख लोग आ रहे हैं। अक्सर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यक्रम अयोध्या में हुए वो कार्तिक महीने में होते थे, शिलान्यास 9 नवंबर का, वो भी कार्तिक देवोत्थान एकादशी थी, जो भी परिक्रमा हुई तो लोग जो बड़ी मात्रा में आए, सोचा जाता था कि अयोध्या से जो जुड़ाव हो वो लोग अयोध्या आए और अयोध्या की जो आर्थिक स्थिति है कुछ मेलों के कारण ठीक हो जाए, ये अतीत था। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि आज 50,000 लोग वो 10 करोड़ को 365 दिनों में, सिर्फ उसमें एक शिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली, दो पर्व काशी के, अन्यथा प्रतिदिन के आप बराबर के भाग में विभाजित कर सकते हैं कि काशी कितने लोग आ रहे हैं, और जो काशी आ रहे हैं वो अयोध्या जा रहे हैं, और भविष्य में हम ये कहने की स्थिति में हैं कि जो अयोध्या आएंगे वो काशी जाएंगे, ये स्थिति अयोध्या की होने वाली संख्या बल के कारण। और ये अगर उत्तर प्रदेश के 3 कॉरिडोर, काशी मथुरा और अयोध्या का एक त्रिकोण, जिस प्रकार मथुरा का भी सर्वे प्रारंभ हुआ है, अगर ये शुरू हो गया तो जिन लोगों के मन में ये भ्रम है कि मंदिर रोजगार नहीं देते, मंदिर से ज्यादा रोजगार, मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था से बेहतर दुनिया के अंदर किसी संप्रदाय के पास कोई व्यवस्था नहीं है, और मंदिर सिर्फ हिंदुओं के, ब्राह्मण पुजारी हो सकता है लेकिन माली तो ब्राह्मण नहीं है, जो फूल माला बतासा वहां के धूप दीप अगरबत्ती बेचने वाले से लेके
बनारस जाने वाले लोग, बनारस के भांति भांति के सामान खरीदने वाले लोग, ये तो कोई ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ब्राह्मण विरोध के नाम पर मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था को, आपने कभी सोचा कि मुगलों ने मंदिर ही क्यों ध्वस्त किए? तो उसके मूल में कारण यह था कि मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था थी, इसलिए ध्वस्त किए गए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अयोध्या के कानूनी पहलुओं से, एक अपनी दृष्टि से, डॉक्टर अमित राय जैन जी ने इस पुस्तक के माध्यम से कानून की दृष्टि से, मंदिर की दृष्टि से अयोध्या को देखने का प्रयास किया है।